समझा रहे हैं गुरु महाराज प्रभुपाद जी हमें लगातार कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, फिर रोने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला, नर्क में गल तो होना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं ना कि हाँ ये नरकों की बात कह दी ऐसे ही होगी, कई लोग ये भी सोचते हैं कोई नर्क स्वर्ग नहीं होता, लेकिन वास्तव में हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ जो है ना अक्षरशः सत्य है, कोई भी बात उसमें झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं है। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ये बात बता रहे हैं शास्त्र में। और अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी दुर्गति से बच जाएं, फिर दोबारा हमें 84 के चक्र में ना गिरना पड़े, तो ये अवसर होना नहीं चाहिए फिर। इसलिए गुरु महाराज बार बार याद दिलाते हैं, मेरे पीछे बोलिए, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो नारायण एक मौत को, नारायण श्री भगवान। गुरु महाराज कहते हैं दो बातों को कभी मत बोलो अगर वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो, और हर कोई चाहता है कल्याण, मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे परिवार में कोई कष्ट कोई दुख कोई कलेश ना आए। इस संसार में जब तक है हमें दुख कष्ट ना भोगने पड़े, लेकिन कैसे, दो बातें फिर याद रखनी पड़ेंगी। क्या? नारायण एक मौत, एक मृत्यु को, जिस शब्द को हम सुनना नहीं चाहते। अगर कहीं पे मृत्यु शब्द बात कर दो ना मृत्यु के बारे में, तो सुनना नहीं चाहता कोई। एक परिवार में एक 2.5 साल का बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक था, महाराज ने उसका कृष्णा नाम दिया। हुआ क्या, एक दिन उसको वोमिटिंग होने लगी, उल्टी आने लगी, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहा कि कोई खास नहीं, कुछ अंदर इंफेक्शन हो गया है, और लिक्विड एक सिरप दे दिया, ये सिरप तो इससे ठीक हो जाएगा। माता पिता उसको दवाई लेकर आए, उसे रात को दी, सुबह जब बच्चा जो है उठा, उसको खून की वोमिटिंग, ब्लड की खून आया। हॉस्पिटल ले गए उधमपुर, उन्होंने जम्मू रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज। अब यहाँ पर लाए और ट्रीटमेंट आईसीयू में इमरजेंसी वार्ड में डाल के उस 2.5 साल के बच्चे का डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया। 2.5 घंटे में बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। अब वो बच्चा घर पर है और हमें मंदिर से कहा कि आप जाइए वहां पर। अब हम उस घर में पहुंचे तो लगभग 100 माताएं घर के अंदर, पूरा घर भरा हुआ था और सब रो रहे थे। जैसे ही हमने उनके घर में प्रवेश किया, इतनी जोर, सारे एक साथ रोने लगे और कहते प्रभु जी इसे जिंदा करिए, इसे जिंदा करिए प्रभु। अब सारे एक साथ बोल पड़े। अब ऐसी स्थिति में बताइए क्या, अब मैं क्या कहूं उस समय। मैंने तो भगवान को यही कहा, प्रभु अगर आप उचित समझते हैं तो कर दीजिए, नहीं आप उचित समझते तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप करिए, ये नहीं शब्द कहूंगा, वो आपके ऊपर है कि अगर आप उचित। और परिणाम, जिस बच्चे को ठंडी हवा तक लगने से बचाते थे माता पिता, वही पिता ने जाकर चिता पे रख के उसको अग्नि दी। मैं देख रहा हूं, मन में सोच रहा हूं, मैं उनको तो नहीं बोला लेकिन मन में सोच रहा हूं कि ये वही पिता है जो बच्चे को ठंडी हवा से भी बचाने के लिए मंगल आरती कई बार नहीं लाते थे, और आज वही पिता जो जहां प्रेम की बात करते हैं कि हमें प्रेम है बच्चों से परिवार से, वही पिता अग्नि दे रहा है उसको। कैसी ये संसार की रीत है, हमें तो आज तक ये समझ नहीं आई कि जिससे प्रेम किया जाता है क्या उसको अग्नि दी जाती है। इसलिए संत कहते हैं, शास्त्र कहता है, भगवान के अलावा बोलिए कहीं भी मन को लगाया, कहीं भी मन को लगाया अंत में रोना ही पड़ेगा, अंत में रोना पड़ेगा। इसलिए ये बात पहले विचार कर लीजिए, ठीक है संबंध निभाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन मन, भगवान कहते हैं ठीक है मैं तेरे से पैसा नहीं मांग रहा, तेरे से घर बंगला गाड़ी कुछ नहीं, मैं तो केवल क्या मांगता हूं, अपना मन मुझे दे दे।
और वही मन हम कृष्ण भगवान को देने को तैयार नहीं है। मन तो मैंने पत्नी को दे रखा है भाई, मैंने पति को दे रखा है, मैंने तो बच्चों को दे रखा है मन, तो मन कृष्ण को देने को तैयार नहीं है। ऐसे में कैसे इस भव सागर से पार उतर सकेंगे, विचार कीजिए। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं अब भी संभल जाए, समय हाथ में है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है ये गंवाने के काबिल नहीं है। इस जन्म की तुलना ये हीरा है। और एक और जगह गुरु महाराज क्या कहते हैं, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, मन हरे कृष्णा वो, हरे कृष्णा मन हरे राम वो, मन हरे राम वो, तेरी हीरे जैसी श्वासा, हीरे जैसी बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए रे कृष्ण वो, रे मन हरे कृष्ण वो, रे मन हरे कृष्ण वो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare। जाने अनजाने में ना हम सबसे ना इस जन्म में भी और पूर्व जन्मों में बहुत सारे कर्म हो गए हैं, अच्छे और बुरे। और भगवत प्राप्ति के लिए ना तो पुण्य चाहिए और ना ही पाप चाहिए, ध्यान रखिए। पुण्य कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हाँ, पुण्य कर्मों से संतों के तक पहुंचना हो सकता है, भक्ति मार्ग में आप चलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं कर सकते। पुण्य कर्मों से स्वर्ग आदि लोक मिल सकते हैं, पाप कर्मों से नरक लोकों में जाना पड़ सकता है। लेकिन भगवान को पाने के लिए क्या चाहिए, निष्काम सेवा चाहिए, केवल निष्काम, बदले में फिर कुछ नहीं चाहिए। जिसे गुरु महाराज कहते हैं पंक्तियों में, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे मुझे श्याम जी, मुझे कृष्ण जी, मुझे श्याम जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे 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 लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। लेकिन आदत क्या है आज संसार में सबको, दौड़ क्या किसकी है, पैसे की दौड़। आज भी कोई हमें कह रहा था, सुबह कोई हमें कह रहे थे, आए हुए थे उधमपुर में, आपके यहीं जम्मू से ही आए थे महाराज जी के सुबह मंगल आरती में, तो मुझे कहते हैं आखिर बेस क्या है इस आंदोलन का। हम सोचने लगे क्या बोलें,
वास्तव में बेस तो भक्ति ही, भगवान की शुद्ध भक्ति निष्काम, लेकिन उन्होंने उत्तर जो दिया हम चुप रहे उस समय तो नहीं काटा, क्योंकि अभी बड़े जोश में वो कुछ बोल रहे थे। क्या कहा उन्होंने, बेस क्या है इस संस्था का, पैसा। तो मतलब वो उतना ही जितना जो समझ पाया वो उतनी बात तो करे, पैसे को बेस बताया उन्होंने, लेकिन ऐसा है नहीं। इस संस्था का बेस पैसा होता तो प्रभुपाद जी कुछ अरब डॉलर लेके अमरीका निकले होते। फिर प्रभुपाद जी निकले, पैसा तो खूब लेकर गए यहां से। कितना लेकर गए, 40 रुपए। 40 रुपए लेकर एक 70 साल का वृद्ध व्यक्ति अमेरिका जाता, कोई जानने वाला नहीं, कहां रुकेंगे ये ठिकाना नहीं उनके रुकने का। और परिणाम केवल मन में, हृदय में एक ही भाव है, गुरुदेव की आज्ञा पालन करनी है बस। गुरुदेव ने पहली मीटिंग में 1922 में आज्ञा दी थी कि तुम अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, तुम्हें चाहिए अंग्रेजी भाषी जगत में जाके वेस्टर्न कंट्रीज में इस भगवत गीता का प्रचार करो। 1922 में ये आज्ञा मिली थी श्रील प्रभुपाद जी के होने वाले उन दिव्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी एक बार मन में सोचने लगे, अभी बिल्कुल युवावस्था थी, कॉलेज लाइफ में थे, सोचने लगे पहले कभी मिले नहीं लेकिन आज्ञा ये ऐसे दे रहे हैं जैसे पता नहीं कब से जानते हो। उसी समय प्रभुपाद जी ने प्रश्न किया, जब देश ही गुलाम है, 1922 में तो अंग्रेजों का राज चल रहा था और बंगाल ही उनका मुख्य था जहां से वो पूरा देश को देखते थे, कंट्रोल करते थे। प्रभुपाद जी ने कहा, जब देश ही गुलाम है तो आप किस प्रचार की बात करते हैं। तो प्रभुपाद जी के होने वाले गुरुदेव ने कठोर शब्दों में कहा, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने, हम किसी आजादी की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कई बार देश गुलाम हुए, कई बार देश आजाद हुए, लेकिन असली आजादी है आत्मा की आजादी, जो बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रही है, भटक रही है। वास्तव में उस आत्मा की आजादी जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, वो असली आजादी। जैसे ही शब्द कहे सीधा प्रभुपाद जी के हृदय में वो शब्द लग, और प्रभुपाद जी ने उसी पल उन्हें हृदय से अपना गुरु मान लिया। फिर विधिवत दीक्षा लगभग 11 साल वाली 1933 में, और गुरुदेव की आज्ञा पर प्रयास शुरू कर दिया, और 1966 में कहीं जाकर सफल हो पाए और पानी के जहाज से निकल पड़े अमेरिका में प्रचार करने के लिए। जिनकी शिपिंग कंपनी थी वो श्रीमती देसाई वो तैयार ही ना हो ले जाने के लिए, हर रोज जाके उनके ऑफिस के बाहर बैठते, 3-3 घंटे प्रतीक्षा करते। आखिर में उसने कुछ कठोर शब्द भी कहे प्रभुपाद जी को कि क्या आप मरने के लिए जाना चाहते, ये तक शब्द प्रयोग किए। प्रभुपाद जी कहते, नहीं आप एक बार मुझे जाने दीजिए, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मेरे को गुरुदेव की आज्ञा पालन करनी है। जब बार बार आग्रह किया आखिर में वो मान गई, कहती ठीक है मैं अपने उस कार्गो शिप के अंदर जलदूत में एक कमरा आपके लिए रख दूंगी और साथ में कुछ सब्जियां रखवा दूंगी। प्रभुपाद जी का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे उनको कुछ जैसे अमृत का कलश मिल गया हो। अब प्रभुपाद जी तैयारी करने लगे, तैयारी में क्या उनके पास में कुछ ग्रंथ भगवत गीता और श्रीमद भागवत के कुछ 2-3 स्कंदों के बॉक्स में लिए, यहां तक मृदंग भी साथ नहीं थी, वो भी बाद में आई केवल करताल पास में, और अमेरिका के लिए शिप से निकल पड़े। लगभग 35 दिन की जर्नी भारत से अमेरिका के उस पानी के जहाज से। अभी 3 दिन बीते हैं, पहला हार्ट अटैक हो गया, सोचिए, जो पहले कभी नहीं हुआ था, दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक। बड़ी मुश्किल से दर्द सहन किया, 3 दिन और बीते, डायरिया हो गया, पेट बिल्कुल खराब। फिर थोड़ा सा उन्हें बचपन में जब कभी पेट खराब होता था, उनकी माता उन्हें दाल की कुछ कचौड़ियां बना के खिलाती थी, तो उन्होंने उससे फिर पेट थोड़ा ठीक हुआ। उन्होंने 70वां जन्मदिन पानी के जहाज पर ही कुछ कीर्तन करके सत्संग से, उन वहां पे जो कर्मचारी थे लगभग 150 के करीब कर्मचारी शिप में थे, बड़ा सामान लेकर जा रहा था वो कार्गो शिप,
सत्तरवां जन्मदिन उसी शिप पर ही मनाया और 3 दिन और बीते दूसरा हार्ट अटैक हो गया। अब दर्द सहन नहीं हो रहा, अपने बेडरूम में कमरे के अंदर भगवान कृष्ण की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे कृष्ण मैं समझ नहीं पा रहा आप मुझसे चाहते क्या हैं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा में चल तो पड़ा हूं अमेरिका में प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां तक पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं लौटने वाला नहीं। ये प्रार्थना की और सो गए। जैसे ही सोए वैसे ही स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखते हैं, ये जहाज के आगे के कोने पे खड़े हुए हैं, उस शिप के सामने से एक छोटी बोट छोटी नौका आ रही है, उसमें स्वयं भगवान कृष्ण हैं। ये स्वप्न में देख रहे हैं प्रभुपाद जी। उन्होंने अपनी नौका से एक रस्सा फेंका जो इनके जहाज के आगे वाले हिस्से पर फंस गया। आगे आगे वो नौका जा रही है, पीछे ये शिप जा रहा है और फिर बाकी 11 सालों में कभी तीसरा हार्ट अटैक नहीं हुआ। बोलिए जगत श्रील प्रभुपाद महाराज की। अमेरिका पहुंचे बोस्टन दरगाह पर। अब वहां पर शिप से उतरे, प्रभुपाद कहते हैं मुझे अब ये नहीं मालूम किस ओर जाऊं मैं। गुरु महाराज कृपा करके हमें लेकर गए, जब 50 साल पूरे हुए प्रभुपाद जी को तो हमें बोस्टन लेकर गए अपने साथ में, उसी दरगाह पर कि जहां पर प्रभुपाद जी ने पहली बार अमेरिका की धरती पे चरण रखे अपने दिव्य चरणों को, वहां पर महाराज लेकर गए। प्रभुपाद जी के सभी शिष्य वहां पर इकट्ठे थे, सन्यासी शिष्य भक्त लोग। तो एक बड़ा कार्गो शिप जैसा, क्योंकि जलदूत तो उस समय में नहीं ले सके तो वो खराब हो चुका था, तो एक शिप लिया। सभी भक्त हम सब लोग महाराज जी सभी उस पे शिप में चले गए और वो शिप हमें समुद्र में लेके चला गया और प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन चलता रहा कई घंटों तक उसी शिप के ऊपर बोस्टन में। तो वहां बोस्टन में प्रभुपाद कहते मैं पहुंचा, मैं जाऊं किस ओर मेरे को ये नहीं पता चल रहा। दिल्ली में लाल किले के पास में एक अग्रवाल परिवार के एक मिले थे व्यक्ति, उन्होंने देखा कि ये प्रभुपाद जी को पुस्तकें वितरण करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तो जब पता चला कि ये अमेरिका जाना चाहते हैं तो उस अग्रवाल ने कहा कि मेरा भाई अमेरिका में रहता है, उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर रखी है, आप अगर चाहें तो 1 महीना वहां रुक सकते हैं। अब विचार कीजिए, केवल 1 महीना रुकने का वहां पर, और वो भी अगर वो लेने आ जाए तो, अगर नहीं लेने आए तो प्रभुपाद को कोई जानने वाला नहीं। जेब में करीब 35-40 रुपए और शिप के अंदर इन्होंने कुछ भागवत की स्कंद जो है वो दिए थे, उसके कुछ पैसे कुछ डॉलर उसके आए थे। और वो अग्रवाल, उसने अपने भाई को मैसेज दिया होगा भारत से अमेरिका, तो वो लेने के लिए आ गया और प्रभुपाद उसके घर पर गए, वहां पर रुके जाकर 1 महीने के लिए। 5 या 6 महीने का वीजा था जिसको वहीं फिर उन्होंने एक्सटेंड करवाया। 1.5 साल बाद वापस आए थे प्रभुपाद पहली, उसके बाद अमेरिका से, जब कुछ शिष्य भी बन गए। अब वहां पर अमेरिका में रहते हुए उस घर के अंदर वो जो उसकी वाइफ थी अग्रवाल की, वो आई हुई थी वेस्ट वर्जीनिया में, जो हमारा मंदिर है वहां पे करीब 800 एकड़ जमीन पर है, जिसमें से पहले 1200 एकड़ था, लेकिन वहां पर कुछ तेल निकल आया तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कई करोड़ डॉलर देके वो 400 एकड़ जमीन ले ली, बाकी अब 700-800 एकड़ अभी भी है। और वहीं पर शिला भक्ति वेदांत मैदान भी वो है, पूरा गोल्ड से, पूरा गोल्ड प्लेटेड है, बाहर की आउटर वॉल्स पे भी दीवारें उस पे भी गोल्ड के वो है सब नकाशी है पूरी। हमने उस दर्शन किए, 2-3 पर गए वहां पर वेस्ट वर्जीनिया जहां महाराज जी लेकर गए। तो उस भक्ति वेदांत मैनर में वहां पर वो आई, 50 साल जब पूरे हुए तो वो मिसिस अग्रवाल जो अमेरिकन थी, वो प्रभुपाद जी के बारे में फिर उसने बताया कि वो शब्द जब हमारे घर पढ़ते तो मेरा बेटा जो है उस, मेरे को ऐसा लगता था जैसे ये उसके नाना हो ये, और ऐसा उनके प्रति भाव था और इतना प्रेम, प्रभुपाद इतना उस बच्चे को वो करते थे कि परिणाम पूरा परिवार और वो अमेरिकन लेडी भी प्रभुपाद जी के प्रति बड़ी होती थी कि पिता की तरह उनको मानती थी। लेकिन 1 महीने बाद ही प्रभुपाद को फिर वहां से शिफ्ट होना पड़ा, ऐसी कैसी कैसी कठिन परिस्थितियों में कि फ्रिज के अंदर
एक हिस्से के अंदर मांस रखा हुआ है, मीट रखा है, और एक हिस्से में प्रभुपाद जी का सामान रखा है, सोचिए। और प्रभुपाद जी जिस समय प्रसाद बनाना होता था वो आधा घंटा पहले किचन साफ कर देते थे और वहां पर प्रभुपाद से प्रसाद बनाते, उसके बाद उनका मीट बनता था, वो सब बनाते थे। ऐसी परिस्थितियों में विचार कीजिए, ये आंदोलन कैसे प्रभुपाद जी ने अपने खून से सींचा है इसे। और प्रभुपाद कहते थे ये जो इस हरे कृष्ण आंदोलन में ये इस जो धन है, जो भी लोगों का दान आ रहा है ना, ये दान लोग अपने धन को शुद्ध करने के लिए देते हैं, ये मेरा खून है, और जो भी इसका दुरुपयोग करेगा ना इस पैसे का, वो कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। याद रखिए, इस संस्था का एक एक पैसा केवल प्रचार के लिए ही, इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए, एक एक रुपया। श्रीमद भागवत के तीसरे स्कंद में राजा मनु, जो मनुष्य जाति का पहला राजा इस धरती पे हुए, राजा मनु की बेटी जो है देवहूति माता, जब उनके पति कर्दम मुनि संन्यास लेकर चले गए और घर में भगवान ने अवतार लिया है, कपिल भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण का अवतार, लेकिन फिर भी शास्त्र की बात को उन्होंने पालन किया। कर्दम मुनि जी ने, शास्त्र कहता है पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 साल की आयु होना तो गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए, उसे वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, वनों में जंगलों में चले जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जंगल तो रहे नहीं, लेकिन इस्कॉन के सेंटरों में आ जाए, वहीं रहकर भक्ति करें। लेकिन अगर हम 100 साल उम्र हो तो बताया है 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। लेकिन अगर 50 साल के बाद भी हम तैयार नहीं है ग्रस्त को छोड़ने के लिए, ग्रस्त जीवन को, तो कैसे तरना कैसे होगा, भव सागर को पार कैसे होगा। इसलिए बड़े संयम के साथ में ये आंदोलन त्याग और वैराग्य की भावनाओं को सिखाने के लिए है, कि ऐसे मंदिरों जैसे आश्रमों जैसे नहीं है प्रभुपाद जी के ये केंद्र। प्रभुपाद जी कहते जैसे बाहर के हॉस्पिटल्स के अंदर, गुरु महाराज कई बार बताते हैं कि प्रभुपाद जी के भाव क्या था, बाहर हॉस्पिटल में जैसे शरीर की बीमारी का इलाज होता है, ऐसे ही ये इस्कॉन के जो सेंटर्स हैं यहाँ पर मानसिक बीमारी का इलाज होता है, जो मन में काम क्रोध मोह वासनाएं हैं इस बीमारी का इलाज होता है। और महाराज कहते हैं प्रभुपाद जो है वो डॉक्टर है, महाराज कहते मैं कंपाउंडर हूं, अगर तुम समझ सकते हो प्रभुपाद जी का आंदोलन क्या है, टू सेव द सोल, आत्माओं को बचाना है, किससे, जन्म मृत्यु के चक्र से, अनंत जन्मों से भटक रहे हैं आवागमन में, लेकिन अब भी समझने को मन तैयार नहीं है कि चंद दिनों में यहां से छोड़ के मुझे जाना होगा, क्या मैं चलने के लिए तैयार हूं। गुरु महाराज कहते हैं हर रोज संध्या काल को शाम को सूर्य अस्त होता है, एक संदेश हमारे लिए छोड़ के जाता है कि तेरे जीवन का एक दिन और कम हो गया, क्या तूने चलने के लिए तैयारी की, एक दिन और घट गया, क्या चलने की तैयारी की। लेकिन हम क्या करते हैं, भोजन किया थोड़ी देर, किसी ने टीवी देखा, किसी ने मोबाइल फेसबुक देखी, सो गए सुबह, फिर वही दौड़ शुरू। इसलिए बड़ी गंभीरता से ये सब विचार करना चाहिए, अगर वास्तव में एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है किसी को, उसे तो गंभीर होना ही पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। ढीली ढाली साधना से कभी भगवत प्राप्ति कई जन्मों तक भी होने वाली नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कच्चों को भगवान नहीं मिलते, भगवान तो पक्कों को मिलते हैं, और पक्का होने के लिए हमें प्रभुपाद जी ने जो चार नियम बताए हैं उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करना पड़ेगा। पहला नियम, कोई अभक्ष्य भक्षण नहीं करना है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कैसा भी तामसिक भोजन मुझे नहीं लेना, इसके अलावा जो भी खाना है भगवान राधा कृष्ण को भोग लगाकर ही खाना है, बिना भोग लगा तो मुझे पानी भी नहीं पीना है। इस तरह का अभ्यास करना होगा जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। दूसरा नियम, किसी भी तरह का नशा नहीं चलेगा फिर, जिसमें बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा चाय कॉफी पान, किसी तरह का नशा नहीं।
कैसा भी नशा हमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में भगवान का चिंतन नहीं कर सकेंगे। तीसरा नियम, पुरुष के लिए हर पर स्त्री पिता के समान और स्त्री के लिए हर पर पुरुष पिता के समान। अगर कोई गृहस्थ जीवन में है तो केवल संतान के लिए पति पत्नी का संबंध होना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं। अगर इस नियम का कोई पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब है तैयार रहे नर्क में जाने के लिए, बच नहीं सकेगा, ये याद रख लेना। समय खुद बता देगा इस बात को। अभी भले हमें हंसी आ सकती है, लेकिन जब यमदूतों की मार पड़ती है ना, बड़े बड़ों के होश ठिकाने आ जाते हैं, जिसे कहते हैं छट्टी का दूध याद आ जाता है। इसलिए ये बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए इस बात को। अगर हम इंद्रियों में संयम नहीं कर रहे हैं, बच नहीं सकेंगे, याद रखिए। आवागमन में दोबारा गिरना पड़ेगा एक लंबे समय तक। ये मत सोचिए अभी शरीर छूटा तो दोबारा फिर दोबारा मनुष्य चोला आसानी से मिल पाएगा, क्योंकि शास्त्र कहता है देव दुर्लभ मानुष देह मिला ही ना बारंबार। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो मानव तन मिला है तुझको, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम भगवत धाम वापिस लौटने का रास्ता तय कर सकते हैं, देवताओं के शरीर में भी नहीं कर सकते हैं। ये सब जो है सूर्य हैं, चंद्र हैं, ये सब पदवियां हैं, इंद्र हैं, प्रभुपाद वर्णन करें भागवत में। जो जीवात्मा इनके योग्य है, ये सब भगवान के भक्त हैं, 33 करोड़ देवी देवता जो पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सकाम इच्छा थी तो भगवान ने उनको वैसे वैसे पद दे रखे हैं, उनको उससे बढ़। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल निष्काम भक्ति चाहिए। देवहूति माता कहती है अपने पुत्र जो भगवान स्वयं है कृष्ण के अवतार कपिल भगवान को कि प्रभु आप मुझे कुछ ऐसी शिक्षा मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, भक्ति बल से उन्नति हो सके। ये प्रार्थना कर रही है देवहूति माता कपिल भगवान को। परिणाम उत्तर में भगवान कपिल क्या कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं कि माता जब तक तेरे में अंदर मैं और मेरा है ना, जब तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकेगी, तब तक आध्यात्मिक जीवन में तो उन्नति नहीं कर पाएगी। साफ लिख दी, बोल दिया प्रभु कपिल भगवान ने, मैं और मेरा। मैं कौन, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, शरीर से अपनी पहचान करना। मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं शरीर से जो पहचान करना है ये मैंपन है। जबकि भगवान गीता के दूसरे अध्याय में बता रहे हैं कि सभी जीवात्माएं हैं, ममे वंशो, मेरी अंश है सभी जीवात्माएं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सब सदा रहने वाली मेरी अंश है जीवात्माएं। लेकिन हमने क्या मान रखा है, नहीं मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं जम्मू का रहने वाला हूं, मैं भारत की रहने वाली हूं, शरीर से पहचान के बाद। जिसको शास्त्र कहता है देहात्म बुद्धि कुल पे त्रिधातु के, तीन धातु में वात पित्त कफ से बना हुआ ये शरीर, इसमें देह को आत्मा मानने की जो समझ है क्या है, सा एव ही गोखरा, या तो वो गाय है या गधा है, उसकी तुलना की है गाय या गधे से। और हम केवल शरीर से अपनी पहचान मानना बस। इसलिए सत्संग के माध्यम से हमें इसको समझना होगा कि जो शरीर से पहचान मानना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा शरीर की सोच से। और मेरा, मेरा ये परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, बस इससे सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे, मैं और मेरे से। जिसे गुरु महाराज क्या कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है,
अजले प्राणी वे अज्ञानी तो दिन की जिंदगानी प्रथा जो भटक रहा है प्रथा जो भटक रहा है प्रथा अजले प्राणी अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी वृथा जो भटक रहा है वृथा जो भटक रहा है। गुरु महाराज कहते हैं मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, इसने अटका के रखा हुआ है हमें। जो आवागमन का चक्र खत्म नहीं हो रहा, जन्म मृत्यु का चक्र अपने सामने देखा, 2 साल तक कोरोना में लाखों लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन तैयार नहीं है इस बात को सोचने को कि अगला नंबर मेरा भी लग सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार मैं कलकत्ता में, जो अब कोलकाता कहा गया है, वहां पर माता काली माता का एक बड़ा विशाल मंदिर है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बार मैं काली माता के मंदिर में गया, मैंने क्या देखा, वहां पर कई लोग बकरों को लेके उनकी बलि चढ़ाने, काली माता में बलि चढ़वाने के लिए खड़े थे, लाइन लगी हुई थी। मैंने देखा एक बकरे की बलि चढ़ रही है, पहले बकरे की, पीछे वाला बकरा क्या कर रहा है, वो घास चबाने में लगा। अभी वो इतनी बड़ी बड़ी आंखें होकर देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा कि अगला नंबर मेरा है, जो घास में चबा रहा हूं गले से नीचे भी उतर पाएगी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी ऐसी ही हालत है कि हम खाने में, सोने में, इंद्रियों का तर्पण करने, विषय विकार भोगने में और शरीर और परिवार की चिंता में इतने खो गए हैं कि हम यही भूल गए कि चंद दिन में ये घर, ये मकान खाली करना पड़ेगा, ये शरीर जो है अधिक दिन तक रह नहीं पाएंगे इस शरीर में। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए सत्संग माध्यम है इसकी तैयारी करने के लिए, हमें सावधान करने के लिए है। इंद्रियां कितनी चंचल है हमारी, जरा सा एक बच्चे ने रोना शुरू किया, कितने जनों की नजर वहां चली गई, सबका, कितनों का ध्यान उधर टिका हुआ है, देख रहे हैं उधर, कितना चंचल है ये इंद्रियां और मन। देखिए दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं शुरुआत कहां से होती है, इंद्रियों को पहले हम इंद्रिय विषय देते हैं, आंख ने, मन ने इच्छा की, आंखों से देखना शुरू कर दिया उस बच्चे की तरफ, किस लिए हम किस उद्देश्य से मंदिर में बैठे वो बात ही भूल गई और उस बच्चे को देख रहे। जैसे ही आंखें दी उसी समय मन ने चिंतन शुरू कर दिया, मन ने सोचना, और बार बार चिंतन करने से मन में कामना इच्छा उड़ शुरू हुई, और काम से फिर क्रोध, और काम से मोह, और वो मोह ही है जीव को जो बार बार इस संसार में गिरा। दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक में ये बात आप देखिए समझते हो। अगर वास्तव में संयम करना है 5 इंद्रियों पर और 6ठा मन, मना षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृतिर स्थानी कर्षति, जीव जो है 5 इंद्रियां आंख नाक कान जीव और त्वचा और 6ठी सूक्ष्म इंद्रिय मन, इन 6 इंद्रियों में संघर्ष कर रहा है, उलझा हुआ है, कभी देखने की इच्छाएं, कभी सुनने की, कभी सूंघने की, कभी बोलने की, कभी स्वाद लेने की, कभी स्पर्श की, और कभी मन के 3 काम जो है, आंख को 1 काम मिला है देखने का और वो काबू में आंख नहीं हो पा रही, सत्संग से निकल के बच्चे को देखने लगी, कान को 1 कान मिला है, 1 काम मिला है केवल सुनने का, नाक को 1 काम मिला है केवल सूंघने का, लेकिन जीभ को 2 काम मिले हैं, स्वाद भी लेना है और बोलने का भी। सोचिए जीभ पर कितना अधिक कंट्रोल चाहिए, अभी आंख ही कंट्रोल में नहीं है क्योंकि हम थोड़े ऊंचे बैठे हैं ना, जिन जिन ने देखा हमने उन सबको देखा जिनकी नजर उस बच्चे की तरफ थी,
और हम भगवत प्राप्ति के स्वप्न देख रहे हैं। इंद्रियां संयम में नहीं है और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, सोचते हैं भगवान का दर्शन नहीं हुआ, इतने सालों से हम भजन कर रहे हैं, दर्शन हो कैसे, इंद्रियों में संयम का अभ्यास किया ही कब। और फिर जीभ को तो दो काम, लेकिन मन को तीन काम मिले। एक मन का काम है सोचना या विचार करना, ये मन का काम। दूसरा मन का काम है इच्छा करना, और तीसरा मन का काम है अनुभव करना। ये तीन मन के काम है। सोचिए मन पर कितना फिर संयम चाहिए, और जब तक इंद्रियां और मन पे संयम नहीं किया तब तक संभव नहीं है हम थोड़ा भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये नाम जप जो हम कर रहे हैं, नाम जप इसी का अभ्यास कराने के लिए है। गीता के इस दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक से ये बात को कि इंद्रियों को अनावश्यक मुझे भोग की तरफ नहीं देना है, अनावश्यक नहीं, ऐसे व्यर्थ में खाली है, चलो बाहर खड़े हो जाते, देखते हैं कौन सी गाड़ियां आ रही है जा रही है, किसने किस माता ने कौन से कपड़े पहने, किस रंग के, किसने कौन से जा रहा, बस यही देखते रहे, आंखों से दिखाते। गुरु महाराज कहते हैं जो कुछ आंखों से हम देख रहे हैं ना, ये सारी फोटो खींच के मन में जा रही है, आखिरी समय सब सामने आएगा, वही अंत नारायण स्मृति नहीं होगी। फिर हम एक संत से मिले हरिद्वार में, वो संत आईएएस ऑफिसर थे कोलकाता के अंदर, और हमें बताने लगे वो कि कोलकाता में जब थे आईएएस ऑफिसर थे, जब समय मिलता हम कमरे में जाके ध्यान करके किया करते थे, और जब ध्यान करते तो हमने मन में इच्छा हुई एक दिन मुझे भगवान कृष्ण का दर्शन करना है बस, और अगर दर्शन नहीं हुआ डू और डाई, या तो दर्शन नहीं तो प्राण त्याग दूंगा। अब एक दिन ध्यान में बैठे थे, हमें कहते हैं कि क्या हुआ, सामने दर्शन तो हुआ लेकिन किसका, शिव जी का दर्शन हुआ, और उन्होंने बाघांबर पहनी है, पूरा श्वेत उनका शरीर और बाघांबर पहने हैं, दर्शन हुआ और फिर अदृश्य हो गए, कुछ बोले नहीं शिव जी। हम सोचने लगे मैंने तो भगवान कृष्ण का दर्शन मांगा था, शिव जी का दर्शन क्यों हुआ, मुझे तो कृष्ण भगवान का ही दर्शन चाहिए। तो दूसरी बार फिर कुछ समय बाद दोबारा दर्शन हुआ, लेकिन अब किसका हुआ, शिव जी और भगवान कृष्ण दोनों का दर्शन हुआ। अब भगवान कृष्ण बंगाली में कहते हैं उनको आमी ओई, कि ये मेरा ही आगे, मेरा ही विस्तार है, एक्सपेंशन है, क्योंकि शिव जी भी भगवान से ही आए हैं, श्री कृष्ण से, सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। फिर दोनों अदृश्य हो गए, फिर कहते मैं फिर भी मैं अभ्यास करता रहा, समय निकलता था बैठ जाता था ध्यान में। अब तीसरी बार दर्शन हुआ किसका, दुर्गा माता। माता कहती है क्या यहाँ पर रह रहे, चल यहाँ से हरिद्वार जाके भजन कर। तो मैंने माँ को कहा माँ देखो इतनी बढ़िया नौकरी है, आईएएस अफसर की नौकरी है, बंगला गाड़ियां सब मिली हुई है, थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ उसके बाद चला जाऊंगा। माँ गुस्सा हो गई, दुर्गा माता गुस्से में कहती है क्या कुकर की तरह यहाँ पे रोटी तोड़ने में लगा, कुकर कहते कुत्ते को, क्या कुकर की तरह, चल यहाँ से मैं सब इंतजाम कर दूंगी, और कहते मैं रेजिग्नेशन त्याग पत्र देकर हरिद्वार पहुंच गया। अब हरिद्वार आ गए, ये जंगल में बैठे हुए थे, आंखें बंद किए ध्यान कर रहे थे, तभी ऐसा मन में भाव आया कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक अटैक कर देगा, तो जंगल में बैठ रहे एकदम घबराहट में आंखें खुली, देखा एक ऊंचा पास में जो पहाड़ था उसके ऊपर माता बैठी है, उनके केश खुले हुए हैं, बाल, यहाँ भी माता विराजमान है ना, माता केश खुले हुए हैं, और माँ कहती है चल मैं देख रहा, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना यहाँ पर, चल आंखें बंद कर। तब से 45 साल वहां पर रहे। तो मुझे एक, मैंने ये बात क्यों सुनाई है वो आगे मैं बताने जा रहा हूं। मुझे कहते हैं एक दिन मैंने माँ से पूछा भाई ये हरे कृष्णा वाले क्या है, जहां देखो हरे कृष्णा करते रहते। माँ उनसे आमने सामने बातें करती थी, उनके पास खप्पर वाली माता की सिद्धि थी, नव दुर्गा में एक काली माता थी, ये भी उनमें ही आता है, तो उनकी सिद्धि थी, माँ आमने सामने बातें करती थी, तो वो हमें बताया करते थे जब मैं उनके पास होता था, मुझे बताते थे क्या बातें, कभी कभी कुछ बातें, सारी बातें नहीं बताते, कुछ बताते। तो माँ से एक बार कहा कि हरे कृष्णा वाले क्या है, जहां देखो हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो कहते माँ ने कहा ये हरे कृष्णा वाले ही तो हैं जो प्रचार कर रहे हैं, बाकी तो आश्रमों में रोटियां तोड़ने में लगे हुए हैं। उनके शब्द वैसे के वैसे बोल रहा हूँ, बिना कोई एक शब्द भी चेंज किए हुए, आसन पे मैं बैठा हूँ, कोई शब्द बदल नहीं रहा, उनके वो शब्द जो माँ ने उन्हें कहे।
तीन बातें कही, बाकी दो भी बता रहा हूं मैं क्या कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, माँ ने मेरे को कहा आगे कुछ ऐसा समय आने वाला है पूरे विश्व भर के इस बड़े बड़े जो ये बुद्धिजीवी है ना, इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान लोग, ये सब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे ये लोग। अरे वो। और तीसरी बात उन्होंने कही, माता ने उनको कहा, ये मेरे को उन्होंने बताया कि माँ ने कहा कि गंगा जी जो बह रही है ना हरिद्वार में, एक दिन इसमें लाशें बहेंगी और ज्यादातर हिंदुओं की होंगी। मैं मन में सोचने लगा कि पाप तो दूसरे भी करते हैं, हिंदुओं के ही क्यों, लेकिन मैं प्रश्न नहीं कर पाया उनके आगे। ठीक उनके बताने की ये 3 साल बाद केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई और लाशें हरिद्वार से बहती हुई इलाहाबाद प्रयागराज पे गई थी। मैं उस समय वहां पर था, पर केदारनाथ में हम लोग रिलीफ के लिए ट्रकों में लेकर हम 20 भक्त गाड़ियों में गए थे, महाराज जी ने भेजा था वहां जाके अपने हाथ से उनको दो जो ऐसी मुसीबत में है। मेरा ध्यान सीधा उनके चरणों में गया, उन्होंने 3 साल पहले ये बता दिया था ये घटना घटने वाली है केदारनाथ में। ऐसे वो संत थे, पर उनको मैंने क्या देखा, 4 कदम से ऊपर नजर नहीं उठाते थे। एक दिन मैं सामने से आ रहा था, वो इधर सामने से आ रहे थे, मैंने सोचा मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें हरे कृष्णा बोलूंगा, मेरे पास से निकल गए, लेकिन मेरी तरफ नजर ही उठा के नहीं देखा, नजर ही नहीं उठाते थे अनावश्यक 4 कदम से ज्यादा जितनी जरूरत है। मैं फिर दोबारा घूम के आया, उनके आगे रास्ता बंद कर दिया, उनके आगे निकलने का, उनके आगे ही खड़ा हो गया, तब जाके नजर उठाई तो मुझे देखकर बातें करने लगे फिर से लगभग आधा घंटा। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज ने कहा आप हमारे यहाँ प्रसाद ले लिया करो, 24 घंटे में एक बार अन्न खाते देंगे, आप हमारे आश्रम में प्रसाद ले लिया करो। कहते नहीं, माँ की अभी अनुमति नहीं है, अगर वो कहेंगी तो फिर एक आश्रम में पंगत में बैठ के भिखारियों के बीच में प्रसाद लेते थे। सोचिए वो संत, मतलब संत कैसे होते हैं कि मैंने उनको देखा, और एक ही बात वो बोलते, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत। कहते जबकि माता की सिद्धि थी उनके पास, बड़े बड़े मिनिस्टरों की गाड़ियां खड़ी होती थी जब मैं कई बार देखता था, लेकिन सभी अपने शिष्यों को कहते मैं क्या देता हूँ, ये 16 शब्द का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ये कहता सबको महामंत्र देता हूँ। उनकी एक शिष्या के पति का एक्सीडेंट हो गया, पूरा सिर खुल गया बिल्कुल, ट्रक का टायर ऊपर से निकल गया, बस या ट्रक का, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये बचने वाला नहीं है। उनकी शिष्या दौड़ती हुई उनके पास में आई, रोने लगी फूट फूट के, उन्होंने एक ही बात कही, बस नाम में बैठ जा, नाम में मतलब कमरे में जा और बस अकेले में बैठ के हरे कृष्ण मंत्र का जप कर। वो कहती मैं कमरे में बोल घुसी, कमरा बंद किया अंदर से और केवल हरे कृष्ण मंत्र जपे जा रही है, रोए जा रही है। आज भी पति जिंदा है, इस हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति क्या है हमें लेश मात्र भी अंदाजा नहीं। मैंने पहले भी सुनाया था, हमारा कार, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, 110 की स्पीड में कार 2 ट्रकों के बीच में आ गई, कार की चटनी बन गई, बिल्कुल नई कार थी, 1 हफ्ता पहले कंपनी से निकाली थी, कार पूरी तरह से खत्म हो गई, ट्रक ड्राइवर मानने को तैयार नहीं, अंदर कैजुअलिटी नहीं हुई होगी, और 3 लोग थे हम गाड़ी में, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हुए हम गाड़ी चला रहे थे कई घंटों से, 15-16 घंटे, एक खरोंच भी किसी को नहीं आई 3ों में से। ऐसे ही 103 का एक बार फीवर हो गया बुखार, हम करनाल में थे, एक मजिस्ट्रेट के घर पे थे, जज के घर पर, एक दिन पहले गुरु महाराज ने एक भजन सुनाया था, उसकी लाइनें याद आने लगी, वो लाइनें क्या थी मेरे पीछे दोहरा दीजिए, उसके शब्द थे कि नाम के प्रति थे भगवान का ये नाम, तेरी सब दुखा दा दारू एक पूरी राम नाम दे, बोलते जी राम नाम दी कृष्ण नाम दी राम नाम दी कृष्ण नाम दी राम नाम दी कृष्ण नाम दी सबे दुखा दारू एको पूरी कृष्ण नाम दी एक पूरी धाम ने देखाई कृष्ण नाम भी लो लगाई
नाम दी नो लगा कृष्ण नाम दी तेरी सबे दुखा दाम राम नाम की कृष्ण नाम कृष्ण नाम की गौर नाम की कृष्ण नाम की गौर नाम की तेरी सब दुखा दादा बजे हम लेते, अब आंखें जल रही हैं, 103 का बुखार था, कोशिश की सोने की, दो घंटे बाद नींद खुल गई 3 बजे, स्नान किया ठंडे पानी से, सितंबर अक्टूबर का महीना था और ये भजन की पंक्तियां याद आने लगी जो एक दिन पहले महाराज ने किसी के घर पर गाई। हम मन में सोचने लगे कि महाराज जी जो है अनूप जलोटा की तरह तो गाते नहीं है, पैसे के लिए जो भी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, तो आज इसे प्रैक्टिकल करते हैं, हमें दवाई चाहिए 103 का बुखार है। और कल महाराज कह रहे थे भजन में कि सभी दुखों की दारू दवाई को भी कहते हैं कृष्ण और राम नाम है, तो आज क्या, आज जमीन पर बैठ के ऊंची आवाज में 16 माला जप करेंगे, बीच में ना उठेंगे ना बात करेंगे, देखें क्या होता है। आज घड़ी में देखा सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम जमीन पे बैठ गए, अब बैठा नहीं जा रहा, प्लास्टिक की कुर्सी का सहारा लिया, आंखें जल रही है, लाल हो रखी है बुखार के कारण, और हमने जप करना शुरू कर दिया। जैसे ही 16 माला पूरी हुई उसी समय हमने देखा बुखार गायब, बिना किसी दवाई, और फिर केवल उसी समय गायब नहीं, 20 साल तक भी शरीर को बुखार नहीं हुआ, 20 साल लगे। हमने गुरु महाज को बताई ये बात जाकर, तो महाराज ने सुना बात को, तो महाज तो जानते ही हैं कि नाम तो ये तो कुछ भी नहीं है, नाम क्या कर सकता है, मैं अंदाजा भी नहीं है इसका, इसलिए गुरु महाज कहते हैं करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है, यही करा बात है जी, यही करा बात है, यही करा बात है जी, यही करा बात है, कृष्ण नाम लेने से बेड़ा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से बेड़ा बेड़ा पार है, गौर नाम लेने से बेड़ा बेड़ा पार है, यही करा बात है जी, यही करा बात नाम लिया मुक्ति मुक्ति हो गई, बंदे ने नाम लिया मुक्ति मुक्ति हो गई, जीवन की नैया पार मुक्ति का हो गई, जीवन की नैया पार मुक्ति का हो गई। गुरु महाराज कहते हैं कोई कहे हमने तो धरने को देखा ही नहीं, धरना पंजाब में हुआ था, ये अनपढ़ गंवार था, लेकिन एक पत्थर को ही शालिग्राम मार उसी से ही भगवान कृष्ण को प्रकट कर दिया, लेकिन कोई कहे हमने तो धरने को देखा नहीं, क्या पता ये सच भी है कि झूठ है, तो गुरु महाराज कहते हैं अगर करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है,
कल के कोई देश को खड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी, यही करामात है, यही करामात है जी, यही करामात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, दूर नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, नहीं करा पार है जी, नहीं करा पार है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम hare krishna 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 hare hare, कुछ नहीं कह रही मैं तो, इसलिए जैसे जब बीमारी रोग बढ़ जाए ना तो डॉक्टर क्या करता है, रोग बढ़ा देता है। और अब जब शास्त्र ये कहता है जिसको भगवान द्वारिका महात्म्य में भगवान स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ये बात, कोई कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं तो भगवान कृष्ण कहते वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है मैं भगवान कृष्ण के भक्तों का भक्त हूं भगवान कृष्ण कहते वो मेरा भक्त है।
और भगवान के भक्तों की अगर कृपा लेनी है तो हो सकता है कहीं भजन में कुछ कमी आई होगी, तभी गुरु महाराज पहुंच नहीं पाए। भक्त अपने ऊपर लेके ही सोचता है। इसलिए करना क्या होगा, जैसे डॉक्टर दवाई की डोज बढ़ा देता है ना बीमारी, ऐसे ही हमें नाम जब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। नाम जब बढ़ाएंगे हृदय में और भाव, जब मन की मलिनता धुल के भाव जागेगा तो शुद्ध भक्त खुद खींचे चले आएंगे। कहते ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में, वो केवल प्रेम से आने वाले हैं। जैसे भगवान कृष्ण प्रेम के वश हो गए, छचिया बरी छाछ पर नाच न चाहे, गोपियां थोड़ी सी छाछ पे इस संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी कृष्ण को नाच नचा रही हैं। कान्हा पहले नाचेगा तो मिलेगा माखन, ऐसे नहीं मिलने वाला। और कन्हैया थोड़े से माखन के लिए नाचेगा, वो माखन के लिए नहीं नाच रहा, वो किसके लिए नाच रहा है, उन अपने भक्तों के हृदय के भाव को और अधिक बढ़ाने के लिए, उनके हृदय में और उत्कंठा और आकर्षण जागे, इसलिए जानबूझकर और नाचने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे भगवान कृष्ण की, बाल कृष्ण की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी और इंद्र की भी बुद्धि चकरा जाती है। ब्रह्मा जी अपराध कर देते हैं, इंद्र अपराध कर देते, पहचान नहीं पाते कृष्ण को। अब जब ब्रह्मा जी जैसे संसार की सबसे शक्तिशाली जीवात्मा है, वो जब पहचानने में धोखा कर सकती है, खा सकती है, तो सोचिए आप और हमारी क्या स्थिति होगी। और हम जो सोच रहे हैं, माला हाथ में आई तो बस क्या सोचते हैं, बस अब तो पहुंच गए धाम में, अब तो चाहे हम जितने भी अपराध करें किसी के प्रति, अब क्या? बस एक विमान ही नहीं उतरना लेने के लिए, बाकी तो रास्ता पूरा तय कर लिया मैंने। लेकिन सच्चाई ये है, जब तक अपराध बंद नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी कहते हैं जितने ये वृंदावन के अंदर बंदर सुअर और कुत्ते घूम रहे हैं ना, ये कौन है, ये सब धाम अपराधी है, सभी ने धाम में अपराध किए, धाम में रहकर वैष्णव अपराध किए, धाम अपराध किए, ये उसी के कारण से ये सब शरीर मिले। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचनों में बात कही, सोचिए। इसलिए एक संत कहते हैं साधक सावधान, जो साधना में लगे हैं, इंद्रियों को और मन को साधने में लगे हैं एक लक्ष्य की तरफ भगवत प्राप्ति, उनको सावधान हो जाना चाहिए। जहां भी कमी रह रही है साधना में, उस कमी को जब तक दूर नहीं करेंगे एक झलक भी नहीं मिलने वाली। गुरु महाराज एक दिन कहते हैं हमें, कहते हैं कुछ दर्शन भी कुछ अनुभव भी हो रहे हैं कि नहीं। हमने कहा महाराज हुए तो हैं। तो महाराज हाँ हाँ बता बता जल्दी बता जल्दी, उत्साह। हमने कहा महाराज अकेले में बताएंगे, तो जो और थे भक्त उनको कहा चलो बाहर निकलो यहां से, चल कुंती माता बाहर चल, चल उनको बाहर करके हाँ अब बता क्या हुआ। तो हमने दो अनुभव बताए कि क्या हुआ हमारे साथ में, दो घटनाएं घट गई हमारे साथ। सुनी कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरु है ना, और गुरु का काम है शिष्य के अंदर थर्मामीटर लगा लगा के चेक करते ना कहीं अहंकार तो नहीं आ गया। अगले दिन मंगल आरती खत्म हुई, अभी दर्शन बंद नहीं हुए, हमें बुलाया भगवान के सामने ही, कहते तू क्या सोचता है, तेरे से कोई अपराध कोई गलती नहीं होती, कोई अपराध नहीं होते। हमने कहा महाराज होते तो हैं। फिर हमने कहा महाराज चौथे स्कंद के आखिर में एक श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक बात कही है। कहते क्या कहा है, मैंने कहा प्रभुपाद जी ने कहा है जो परमहंस स्टेज के भक्त है ना, परमहंस हंसों में भी जो परम सिद्ध अवस्था के जो भक्त हैं, वो भी हर समय 24 घंटे अपने मन में क्या चिंतन रखते हैं, ये तो अभी मैं भजन में लग गया हूं लेकिन जन्म जन्मांतरों के पाप तो अभी भी मेरे सर के ऊपर हैं। इस भाव को मन में रख के, अपनी दैन्य भाव को, अपने कातर भाव को हृदय में बनाए रखते, दीनता के भाव को, अहंकार नहीं आने देते। अहम का थोड़ा सा भी गंध अगर मन में आई अहंकार की, समझो कृष्ण स्लिप कर गए, कृष्ण पकड़ में नहीं आने वाले। यशोदा मैया ने बड़ी मेहनत कर ली लाठी लेके पकड़ने की, नारद जी आकाश मार्ग से हंस रहे हैं, नारद जी कहते मैया किसको पकड़ने जा रही है, वो भी हाथ में लाठी लेके। जब तक अहंता और ममता दो अंगुल की दूरी है, तब तक कृष्ण बंधन में नहीं आने वाले। अहंकार अहंता जो शरीर से मैं और मेरे की जो सोच है, और ममता जो मोह है संसार में, इस दो को तो हटाना ही पड़ेगा, तो ही रस्सी बंध पाई यशोदा मैया की। उससे पहले यशोदा मैया
बांध नहीं पड़ी, बांध नहीं सके उखल से। इसलिए बड़े सावधानी से समझ विचार कीजिए, अगर अब भी समय है। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं। यज्ञ की धूप जब मान पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हर तक फिरता जाया रे, आना नहीं उबारक पारे, भजिया ना कृष्ण मुरारी। संकट हारी जो मन पूरक पापरिया, विशिका विच उमर उतारे, अगर अब भी विषय विकारों में खोए रहे और कृष्ण मुरारी का भजन नहीं किया तो फिर कल को आप किसी को दोष नहीं दे सकेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई, बार बार अवसर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। आगे तो कलयुग का प्रभाव और बढ़ता जाएगा, इसलिए अवसर का लाभ उठा लीजिए। आखिर में मैं यही कहूँ, गुरु महाराज ने भेजा हमें, अभी आगे महाराज जी के साथ जाना है और जगह पे, तो इन्होंने हमें ये कहा निताई प्रभु मंदाल से, 5 मिनट के लिए आज, 5 मिनट, 5 मिनट के लिए केवल, आप आगे बस चले जाइएगा उसी समय और आगे फिर हमें यहाँ के रास्ता ऊपर की तरफ। तो इसलिए विचार कीजिए, मैं भी विचार करूं और आप सब भी इस बारे में कि समय बीत गया तो फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, जब काल रूपी चिड़िया इन श्वासों रूपी खेत को चुग जाएगी। सारी श्वास जब खत्म हो गए फिर वो सारी संपत्ति जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले पंगले, खाली बारा दरी रही, फिर सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। इसलिए महाप्रभु ने आखिर में एक शब्द कहे हैं बंगला में, मेरे पीछे बोल लिए, उठी ते बसी ते, खाई ते सोई ते, यथा तथा नाम लये, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उठी ते बोसी ते, उठते बैठते, खाई ते सुई ते, खाते सोते, यथा तथा कैसे भी नाम लो, ये हरे कृष्ण मंत्र के लिए। ओम से शुरू होने वाले मंत्र सभी नहीं कर सकते, केवल वो ब्राह्मण के लिए है। लेकिन कलयुग में जब भगवान वेदव्यास जी ने कहा कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में भले कोई जाति से कुछ भी हो लेकिन वास्तव में कर्म से सभी शूद्र जैसा जीवन, शुद्धि शुद्धि का पता ही नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये हरे कृष्ण महामंत्र कौन बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कली संकरण उपनिषद में। मैंने सारे वेद खंगाल लिए, पढ़ के देख लिए, सब देख लिए वेद, आखिर में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र एकमात्र तारक मंत्र है कलयुग का। ये ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कली संतरण उपनिषद में, और इसी बात को ब्रह्मांड पुराण में शिव जी कह रहे हैं गौरी माता को, ये 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग का महामंत्र तारक मंत्र है। इसलिए कैसे भी करके उठते बैठते चलते फिरते नाम जीव से छूटना नहीं चाहिए। देश काल नियम नहीं, कोई देश काल का नियम नहीं, शुद्धि में अशुद्धि में, नहाए हुए बिना नहाए हुए, बिस्तर में कहीं भी है, ये महामंत्र जीव से छूटना नहीं चाहिए। जब तक साक्षात भगवान सामने प्रकट ना हो जाए तब तक करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है, यही करामात है जी। धन्यवाद आप सबका।
हरे कृष्ण। प्रभु जी ने हमें यहाँ पे अपनी वाणी से जो है गुरु महाराज जी के दर्शन ऐसी करा दिए अपनी शिक्षाओं के द्वारा। प्रभु जी गुरु महाराज जी के साथ 30 वर्ष से अधिक जो है संग किया है और गुरु महाराज जी की जैसी शिक्षाएं वैसे का वैसे ही उन्होंने हमें उसका विपणन करा। हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि ऐसे जो संत हैं वो बहुत दुर्लभ हैं। गुरु महाराज जी के साथ में 30 वर्षों तक उन्होंने संग किया और आज जो है हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि गुरु महाराज जी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सारी शिक्षाएं जैसा गुरु महाराज जी बोलते हैं वैसा का वैसे ही जो है प्रभु जी ने वो व्यक्त की है। तो और प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि एक डिवोटी बनने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है, तो कितना समय और कितनी एनर्जी कितने लगता है कि जब एक डिवोटी इस तरह के तैयार होते हैं। तो हम प्रभु जी के स्वास्थ्य के लिए और आगे हम कामना करेंगे पूरे विश्व में हर जगह प्रभु जी इसी तरह से इसी उत्साह के साथ ऐसे शिक्षाओं को प्रभुपाद की और गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को पहुंचाएं। तो उनके लिए हरि बोल से हम प्रार्थना करते हैं। हरि बोल हरि हरि हरि। और प्रभु जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल है आज का, तो फिर भी प्रभु जी बहुत विनम्र और दयालु हैं कि एक बार विनती करने पे प्रभु जी यहाँ पे आ गए। इसके बाद प्रभु जी के आज 3 प्रोग्राम इसके अंदर आज हमारा भी प्रभु जी ने उसमें समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ऑनलाइन पे वो भक्त जिनकी क्लास थी ना इस समय की, वो इस समय लाइन पे हैं सबके सब भक्त जो है इस समय, उनकी आवाज मैंने बंद कर दी। हरे कृष्ण प्रणाम। ये उनके सुन लीजिए, ये हरे कृष्णा बोल रहे सभी भक्तों को बोल दीजिए, ये दुबई से बोल रहे हैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर और बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। अगले 5 मिनट के लिए प्रश्न, अगर किसी भक्तजन का पहले प्रभु जी किसी का प्रश्न है तो रेज़ योर हैंड प्रणाम कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी। जैसे जब तक हम घर पे रहते हैं तो प्याज लहसुन से तो बच जाते हैं, घर के बाहर जब निकलते हैं जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे अगर दिल्ली में कोई पढ़ तो बाहर पीजी में रहेगा एक्सेट्रा बाहर खाएगा, तो प्याज लहसुन से थोड़ा बचाव कम ही होता है, तो उसका कुछ अगर क्या किया। गुरु महाराज एक बात कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो और दूसरी बात जो हमने पहले कही थी कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, चाह को रहा। अगर इच्छा प्रबल हो, 45 साल से गुरु महाराज पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं और कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे जाना होता है, एक घर में महाराज रुके जहां पर नॉनवेज चलता था मास, 15 दिन तक केवल फ्रूट्स खा के रहे, केवल 15 दिन केवल फल पर, अन्न का दाना भी उस घर का नहीं खाया, लेकिन उस घर पर रुके 15 दिन तक। तो परिस्थितियों में हमें महाराज ने कहा कि मेरे लिए तो कुकिंग किया करो, तो हमने कहा महाराज मेरे को तो आती नहीं। फिर दूसरी बार कहा तो हमने कहा महाराज मैं ठीक राधा रानी को प्रार्थना करके करूं, तो फिर कुकिंग करनी शुरू की और महाराज ने पहली बार, फिर महाराज ने कहा देखो ऐसा होता है भक्तों का बनाया हुआ,
और पूरा उसे परिवार में ली। तो इस तरह से जब करते हुए प्रैक्टिस होती चली गई, तो इसलिए कहीं ना कहीं हिम्मत करके, कोई कठिन नहीं लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, सीधा मन पे असर पड़ेगा। आप कहो कल को ये मन भगवान का चिंतन करे या भगवान में लग जाए, जब तक हम तमोगुणी आहार ले रहे हैं, तामसिक आहार, या गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है, और ऐसा अन्न खाने के बाद भजन नहीं हो सकेगा, और बर्थ डेथ के साइकिल से ही फ्री नहीं हो पाए, और जीवन जी लिया हमने, दो टाइम की रोटी तो हर कोई चुटा लेता है। 150 बच्चे हमारे यहाँ आए हुए थे बीएड के, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किए कि गुरुकुल आप चला रहे हैं, कोई पैसे नहीं लेते, तो इनका खाने का ये पैसा आता कहां से, इतना फंड आपके पास में? तो हमने कहा उस समय कि 24 साल पहले जब हम यहाँ आए थे पहली बार, तो गुरु मां ने एक मंत्र सिखाया था, उस मंत्र से ये पैसा आता है। तो सब चेहरा देखने लगे, 150 बच्चे, कुछ मुस्लिम बच्चे भी थे उसमें, कुछ सिख भी थे लड़के लड़कियां। तो हमने कहा कि हम बताएं वो मंत्र क्या है, एक साथ कई बच्चों ने कहा बताइए। मैंने कहा 1.5 घंटे से मैं बोल रहा था, तब एक शब्द नहीं बोले आप, और जब पैसे के लिए मंत्र की बात हुई तो सारे बोल पड़े, तो हंसने लगे। मैंने कहा मंत्र ये बताया था गुरु महाराज ने, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो क्या अन्न न दोगे? जब बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से पहले माता के स्तनों में दूध आया, जन्म बाद में हुआ बच्चे का, उस भगवान को चिंता हो गई इस बच्चे के शरीर का पोषण कैसे होगा, जिसने उस समय मेरे खाने का इंतजाम किया, क्या उसने अब नहीं किया होगा? लेकिन अब मेरा मन धीरे धीरे मैला होता गया, अब मुझे लगता है कैसे होगा। हाँ, वर्क लाइक ए डोंकी, प्रभुपाद कहते जब तक गधे की तरह मैं काम नहीं करूंगा सुबह से लेकर रात तक, तब तक मेरी आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी? पहले हम इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं आवश्यकताएं पूरी कैसे होंगी। लेकिन भगवान गुरु महाराज कहते हैं चींटी को एक कन और हाथी को एक मन बिना कोई जॉब या बिजनेस किए हुए मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में लाखों करोड़ों हाथी हैं लेकिन कोई भी भूखा नहीं सोता, एक से दो मन खाते हैं रोज का। इसलिए मुझे उसी तरह के कार्यों में कदम बढ़ाना है, उस तरीके कि जहां पर मैं अपने नियमों को दांव पे लगा के नहीं करूंगा। अच्छी बात कहीं से भी लेनी चाहिए, ओबामा की टेबल पे जब मोदी बैठे थे वो मीठ खा रहा है और ये डिब्बो पानी पी रहे, तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, वहां पे साधु जो पहले से पहुंचे हुए थे उन्होंने एक मीटिंग करी, प्रभुपाद जी को बुलाया और प्रभुपाद को क्या कहा, स्वामी जी अच्छी बात है आप यहाँ अमेरिका में प्रचार करने आए हैं, लेकिन यहाँ के अमेरिकन लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं है, अगर आप इनको अपनी बात सुनाना चाहते हैं पहले आपको इनकी तरह छुरी कांटे से खाना सीखना पड़ेगा फॉक से, और इन्हीं की तरह पहले पैंट कोट पैंट टाई पहनना सीखना पड़ेगा, धोती कुर्ता जो भगवा पहन रखा आपने। प्रभुपाद जी ने एक ही लाइन में उत्तर दिया, प्रभुपाद ने कहा मैं इन लोगों को अपना अनुयायी बनाने आया हूँ, इनका अनुयायी बनने नहीं आया। इसलिए हम समाज में जाके वहां उनके अनुयायी बन जाए तो इस तरीके से लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए हमें थोड़ी तपस्या करनी सीखने, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। हम भगवान को प्रार्थना करें वो रास्ते हर जगह बना सकते हैं। इसलिए चाह को रहा, प्रार्थना करें प्रभुपाद जी को, भगवान को, वो हर तरह के रास्ते बना सकते हैं। खुद बनाना सीख ले कुछ थोड़ा सा लाए, ऐसा कुछ कुकिंग कर ले, क्या दिक्कत, वेजिटेबल्स डाल के आप खिचड़ी बना सकते हैं और चपाती भी, कोई कठिन नहीं है सब्जी है, सब हमें भी कठिन लगता था लेकिन गुरु महाराज ने जब कहा राधा रानी को प्रार्थना करके करो, और वो तब से हो गया, फिर महाराज के लिए कुकिंग रेगुलर करने लगे। इसलिए हिम्मत करिए, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते है, क्योंकि अन्न दोष आ गया, अन्न दोष, भूमि दोष, संग दोष, ये सबसे परिणाम फिर मन भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए लोग मंदिरों में क्यों आते हैं, क्योंकि घर में जहां भोग विलास किया है वहां पर वैसे ही परमाणु वायुमंडल में होते हैं, हवा में, वहां पर मन एकाग्र नहीं होते, इसलिए मंदिरों में तीर्थों में लोग जाते हैं। इसलिए जैसा हम जिसके हाथ का शास्त्र कहता है पका हुआ अन्न खाते हैं, हम उसका पाप भक्षण करते हैं, उसका पाप भी लेना पड़ता है, और रेस्टोरेंटों में जहां उनके हाथ का हम खा रहे हैं जिन्होंने टॉयलेट के बाद हाथ भी धोए होंगे कि नहीं ये भी पता नहीं ठीक से, और उसके बाद हम चाह रहे हैं हमारे मन भगवान के चरणों में लगे, कैसे संभव है, विचार कीजिए। होटलों में तो कुछ शुद्धि अशुद्धि का कुछ होता ही नहीं पालन, वही बर्तन वही चल रहे हैं, वही इधर चल रहे हैं वेज और वही नॉन वेज में यूज हो रहे हैं। हम वृंदावन के इस्कॉन में ही गए, वहां पे चौमिन जब खाई
तो जो भक्तों ने, तो मैंने जानबूझ के जाके मैंने उनसे पूछा रिसेप्शन पे, आपने इसमें ठीक से अजीनोमोटो तो डाला है ना? कहते हाँ डाला है। मैंने कहा अजीनोमोटो सुअर के चर्बी से बनता है। कहते आप उसमें लिख दीजिए बुक के अंदर, हम अपने मैनेजर को पढ़ाएंगे। मैंने लिखा उसके अंदर, मैंने कहा अजीनोमोटो चेक कर लीजिए गूगल में अजीनोमोटो से। और आज खा रहे हैं हम चौमिन और ये नूडल्स जो खा रहे हैं उसमें पैकेट होता है अजीनोमोटो का, वो सुअर के पिग के उससे है। ऐसी कितनी चीजें हम खाएंगे तो उसके बाद भजन कैसे होगा? इसलिए समझना है हमें शुद्धि से बना हुआ भगवान को भोग लगा के वो खाना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी बनता हुआ बिका वहां पे सड़क पे बिकता हुआ उठा के खाने लगेंगे, ऐसे नहीं भजन पूरा हो पाएगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है बाकी भक्तों से, प्लीज बैठ जाइए, कोई क्लोजिंग है 5-10 मिनट यहाँ पे, उसके बाद उनको भी प्रोग्राम में जाना। तो किसी माता का प्रश्न है, प्रभु जी माता का किसी का प्रश्न है, रेज योर हैंड। आपने कहा कि दो उंगली का फर्क पड़ता है अगर हमें भगवान को मानना हो तो, अहंकार और हमारा मोह जो है वो कैसे जा सकता है? सब क्लियर प्लस गूंज गए साफ से। आपने कहा कि दो उंगली का फर्क पड़ता है भगवान को मानने के लिए, वो है अहंकार और हमारा मोह, तो वो दोनों कैसे जा सकते हैं? वो कैसे जा सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु ने वैसे सबसे सुगम तरीका जो बताया है, जो मैंने अभी बुलवाया, उठी थे बोसी थे खाई थे शुई थे यथा तथा ना, नाम लेना है कैसे भी नाम जब, फिर नाम के साथ में दूसरा है कि हमें नियमों का पालन करने में कमी नहीं छोड़नी है, चार नियमों का पालन। गुरु महाराज कहते हैं जैसे कपड़ों की धुलाई साबुन और पानी से होती है, ऐसे ही मन का मैल इस हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करने से धुलता है। और फिर वैसे ही वातावरण संग में रहना है। प्रभुपाद जी धाम में जाने से पहले भी उन्होंने शब्द कहे, किसी भी नए साधक के लिए ये बहुत जरूरी है, भक्तों की संगति करे, भक्तों के संग में रहे। और भक्तों की संगति का मतलब जो निष्काम भक्त है उनकी संगति में, जब भक्तों के संग में रहेंगे तो बच पाएंगे, अन्यथा बचना मुश्किल। अहंकार बार बार जब हमें गीता और भागवत का जब हम श्रवण करेंगे ऐसे निष्काम भक्तों से, बार बार वो मन पे चोट करेगी वो बात, और हमें उसको जब व्यवहारिक रूप देंगे तो ये अहंकार हटेगा। जो देहात्म बुद्धि तब खत्म होगी। मान अपमान से ऊपर उठने का 13वें अध्याय के भगवत गीता के 8 से 12 तक 5 श्लोकों के तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद जी ने समझाया है वहां पर ये अहंता के बारे में, अहंकार के बारे में, ममता के बारे में, मोह के कैसे छूटेगा क्या है ये उसमें बड़े अच्छे से समझाया। जब तक ये अहंकार है और जब तक ये ममता है तक भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, चाहे कितने जन्म कितने युग लगाते। और वो नाम जब निष्काम सेवा और प्रमाणिक गुरु को समर्पण करके हमें उनकी आज्ञा में चलना होगा। मन मर्जी नहीं चलेगी, मन मर्जी नहीं चलेगी। जैसे एक साधक आया, उस साधक तो आश्रम में आगे रहने लगा उधमपुर में, और गुरु महाराज ने आज्ञा दी आके उधमपुर में रहने लगा। कुछ दिन रहा, बड़ी लगन दिखाई, उसके बाद कहता अब मुझे जाना है, बेटे को भी वहां से निकालना है, बेटा पर को। अब हमने कहा पहले खुद तो बच लो, बेटे को तो बाद की बात है, पहले अपना तो बचाव करो। काफी समझाया, मन मर्जी करने से नहीं बाज आ रहा। तो क्या कहते शब्द, कहते जो अंदर से मेरे को फुदक रहा है ना शब्द, उसके मतलब तब तक वो शांत नहीं हो जाएगा तब तक मैं। तो अब जब खुद ही जीव अहं अपने मन के वश हो रहा है, एक होता है मनमुख, दूसरा होता है गुरुमुख। जब तक हम मनमुख रहेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमें गुरुमुख होना ही पड़ेगा, गुरु साधु और शास्त्र उनके अनुसार चलना पड़ेगा। उस पे जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक निष्काम सेवा नहीं करेंगे, तब तक रास्ता कैसे खुलेगा? हरि नाम, निष्काम सेवा, प्रमाणिक गुरु की आज्ञा का पालन, प्रभुपाद जी के इस तरह से जब हरि नाम लिया जाएगा, प्रभुपाद जी की बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हुए और निष्काम सेवा करते हुए, हम 24 घंटे में कितनी देर निष्काम सेवा करते हैं जरा विचार करिए। दिल्ली से एक परिवार आया उधमपुर में, हमने पूछा भाई कितना कमाते हो? कहते 15,000 रुपए महीने का, कुछ फैक्ट्री थी उनकी, 15,000 कमा लेते हैं। मैंने कहा कितने मेंबर है घर पे? कहते 4 मेंबर हैं।
दो बेटे हैं, पति पत्नी चार जन है। मैंने कहा एक पर महीने का कितना खर्च होता है, कहते लगभग 3,000। तो मैंने कहा टोटल हुआ 12,000। भगवान का हिस्सा कहां पर है 3,000, चाहे गुरु का कहो या भगवान, वो हिस्सा क्या है भगवान का। कहते मैं 500 रुपए दे सकता हूँ केवल महीने के। अरे वो आपकी इच्छा है, 500 रुपए दे जितने, हमने तो बता दिया। एक परिवार के सदस्य के बराबर भी कृष्ण पर खर्च करने के लिए, प्रचार के लिए तैयार नहीं आप, पर भगवत प्राप्ति के स्वप्न देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। और जबकि शास्त्र ये कहता है अगर आप पूर्ण समर्पण 100% का भी नहीं कर पा रहे, कम से कम 50-50 तो करो, 50% भागवान का। प्रभुपाद जी ने भागवत में कई जगह कहा है, और शिला रूप गोस्वामी जी ने आचरण में किया, 50% भगवान की सेवा में, 50% से परिवार का पालन पोषण वो सब करना खर्च। लेकिन हम आवश्यकताएं बढ़ाते हैं, फिर बाद में हम चाहते हैं, जब तक समर्पण नहीं है, कर्म जो है जब तक निष्काम नहीं हो, तब तक कैसे संभव है। अगर इसी जन्म में 100% समर्पण हो गया, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ भी पीछे बचाकर अपने तप किया, समर्पण नहीं किया, रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए समर्पण जरूरी है। भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। कैसी? निष्काम सेवा। इसलिए आज रास्ता नहीं खुल रहा नाम जप करने पर भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं निष्काम सेवा अभी पूरी नहीं हो रही 24 घंटे की। सुबह कितने बजे उठते हैं आप जी? 4 बजे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम, चारों नियमों का पालन, निष्काम सेवा की ये ढालना पड़ेगा इसका अभ्यास। और तब संभव है जब भगवान कहते हैं मुझे 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोक में, मुझे प्रचारक सबसे प्रिय है, जो इस भगवद गीता का दूसरे भक्तों में प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय है। ना मुझे कोई हुआ है ना होगा, और जीवन के अंत समय में निश्चित रूप से मेरी प्राप्ति करेगा। तो ये अवसर है, इसका लाभ उठाना चाहिए, निष्काम सेवा करने का। अगर हम भगवान को कुछ भोग अर्पण करेंगे, बाद में प्रसाद मिलेगा ही, ये मत सोचिए भगवान पूरी थाली ही साफ कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं पीछे। हमने 2 बार भोग लगाया था भगवान को, कभी बताया था आपने, दोनों बार भगवान ने चारों लड्डू खा लिए, एक दाना भी नहीं छोड़ा। तीसरी बार हमसे अपराध हो गया। तीसरी बार हमने कहा वो उस भक्त को जो मेरे साथ विदेशी भक्त, मैंने कहा ये तो खुद खा लेते हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। वो नाराज हो गए, बस इतनी बात सुन ली, वो सामने ही थे बालकृष्ण हमारे, जिनको जिन्होंने 4 लड्डू 2 दिन खाए। तीसरी बार फिर उसके बाद खाए नहीं, बंद कर दिया खाना, चारों लड्डू पड़े रहे ऐसे, इस रात तक नहीं खाए, और 2 दिन पूरा फिनिश कर दिया, एक कण भी नहीं छोड़ा पीछे। तो इसलिए समर्पण करेंगे तो वो तो तैयार है भाई, वो तो इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे गो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर मतलब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी नहीं लगा पाते, पर घर में वो पांच ही रखते। उस परिस्थिति के अंदर 2 तरीके हैं। एक, या तो परिवार में कोई और हो ऐसा जिनको सूतक का उसका नहीं है, सूतक या पातक लगा हुआ, उनके यहाँ पे विग्रह रख दिए जाए कुछ दिन, उतने दिन के लिए। ब्राह्मण के लिए 10 दिन का है अशुद्धि काल, क्षत्रिय के लिए 12 दिन का, वैश्य के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 30 दिन का है, तो उस समय के लिए। या फिर पास में कोई मंदिर हो तो वहां पर उन पुजारी जी को कह दिया जाए, वो वहां रखवा दिया जाए, इस तरह से फिर करना पड़ेगा। लेकिन माला जप कर सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं महाराज, लेकिन विग्रह पूजा नहीं कर सकते, उनको स्पर्श करना या विग्रह पूजा नहीं कर सकते। तो फोटो पर, चित्रपट पे भोग लगा सकते हैं उस परिस्थिति के अंदर, फोटो पर। विग्रह को सेवा सीधी नहीं कर सकते, चित्रपट पर कर सकते हैं उस परिस्थिति। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा कोटी कोटी धन्यवाद प्रभु जी। आज से 6-7 साल पहले आपने मुझे टेम्पल में मुझे कुछ एक दो मतलब बोला था कि 4 नियम कर लीजिए और जब कभी नहीं छोड़ दीजिए और मंगल आरती, और आज तक मतलब 100% तो नहीं कहूंगी लेकिन कोशिश जारी है कि मेरा ये चीज ना छूट जाए। और आज चाहती हूँ मैं, आज आप मेरे लिए कुछ ही और हम सब के लिए कुछ और बता दीजिए जो हम पूरा जीवन अपने जीवन में बता। इसलिए हमने बताया जो महाप्रभु की शिक्षा है प्रभुपाद जी के माध्यम से,
कोशिश करिए। महाप्रभु ने भी ये बात कही, चैतन्य महाप्रभु ने यही बात प्रभुपाद जी ने भी कही, क्या एक ही जन्म में जिनको भगवत प्राप्ति करनी है उन्हें कम से कम 64 माला जब प्रतिदिन करनी चाहिए, 1,00,000 जब हो सका। कोशिश करिए कि 64 माला पे कैसे भी करके पहुंचना है। हमारे आश्रम में एक माता है, वो कितनी माला करती है बताओ? 192 माला रोज की करती है। रात को 10 बजे कोई बात हुई तो महाराज जी ने कहा उसको बुलाओ, माता को, कोई सामान आगे पीछे कर दिया उन्होंने तो बुलाया। तो जब उसने सामान ला दिया तो महाराज ने पूछा कि कितनी माला की आज? कहती आज की तो महाराज जी पूरी हो गई। मैंने कितनी? कहती 192 माला। एक और माता, मैंने कहा कितनी माला हो रही है अभी? कहती 128 नियम से हो रही है, और सेवा भी कर रही है, नहीं कि पूरा दिन सेवा के अलावा 128 माला नियम से करती। इसलिए महाप्रभु ने कहा है 64 माला के लिए। प्रभुपाद जी ने भी अंग्रेजों को कहा 64 माला, तो अंग्रेजों ने कहा हमसे इतनी नहीं हो सकेंगी। प्रभुपाद जी, अच्छा 48 करो। कहते ये भी बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद अच्छा 32 करो। कहते ये भी बहुत ज्यादा। प्रभुपाद अच्छा 16। कहते प्रभुपाद कुछ और कम? प्रभुपाद नहीं, 16 करनी पड़ेगी। तो एक संत ने अपने ऊपर भार लेकर कम से कम 16 बताई है, ये परमानेंट 16 नहीं, वास्तव में तो 64 माला। और गुरु महाराज कहते हैं भगवत प्राप्ति जिनको करनी है उनको कितना जप करना चाहिए? मेरे पीछे बोलिए, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमारे पाप कर्मों के कारण जो यमराज के हैं, हमारा अकाउंट खुला है ना, अब यमराज कहेंगे हाँ अब इसका अकाउंट इसका बंद कर दो, अब ये मेरा कस्टमर नहीं रहा, ये भगवान भी कृष्ण विष्णु दो दिशा लेकर जाएंगे। इतना जप होना चाहिए। इसलिए हिम्मत करिए, उठते बैठते कैसे भी 64 माला कम से कम माला पे करनी है। ज्यादा चाहे जितने करिए, कम से कम 64 करिए। अब कोशिश करिए, प्रार्थना करिए बार बार, किसको? प्रभुपाद जी को, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को, जिनको महाप्रभु ने नाम का आचार्य बनाया, और आदि गुरु नित्यानंद प्रभु को। इन तीन को बार बार प्रार्थना करिए, और चौथा हरि नाम प्रभु को। ये जो महामंत्र नाम ले रहे हैं, इनका भी अपना एक शरीर है, इनका दिव्य आध्यात्मिक हरि नाम प्रभु का, उनको प्रार्थना करिए और फिर नाम करिए बार बार। प्रभुपाद जी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, आदि गुरु नित्यानंद प्रभु और हरि नाम प्रभु को, और फिर नाम करिए और वही कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। This is great, Sanjay Vyas Prabhu. Thank you, Prabhuji, for giving such a wonderful lecture. आपने सब मिलते रहे, यही भगवान से प्रार्थना है और प्रभुपाद से प्रार्थना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर लेक्चर था, बहुत सुंदर क्लास आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। नाम पावने दो वैष्णवे दो प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। जय संजय व्यास प्रभु जी की जय। जय कृष्ण प्रभु जी। दंगत प्रणाम। हरे जी। हरे जी। वाले में माता है प्रसाद पाएंगे, उसके बाद प्रभु जी।